हेलो फ्रेंड्स, जेके फूड एंड टूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं मोमोज की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और घर पे कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने थोड़े से कैबेज के मोमोज बनाए हैं और थोड़े से सोयाबीन के। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चटनी के लिए यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 8 से 10 सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ली हैं। इन सभी को पानी में डालकर ओवन में मैंने 5 मिनट तक पका लिया है। आप चाहें तो इसे गैस पर भी उबाल सकते हैं जब तक ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब इसकी ऊपर की स्किन को निकाल लें अच्छी तरह से और इसे मिक्सी में बारीक पीस लें। देखिए मैंने पीस लिया, आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। अब स्टफिंग के लिए मैंने 2 बंधा गोभी, 1 शिमला मिर्च, 2 प्याज, 1 टुकड़ा अदरक, थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है। अब बंधा गोभी को ग्रेटर की मदद से बारीक बारीक कद्दूकस कर लें। सभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को काट लिया है मैंने। अब एक छोटा पैकेट सोयाबीन को अच्छी तरह से पानी में उबाल लिया है और इसे मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। देखिए सोयाबीन को मैंने पीस लिया है। अब एक पैन गर्म करेंगे, इसमें आप सरसों तेल या जो तेल आप खाते हैं वो डालें 2 चम्मच। तेल गर्म हो गया, इसमें कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च डालें, थोड़ी सी अदरक और लहसुन कुटी हुई और थोड़ा सा प्याज। अब इन सभी को थोड़ी देर तक फ्राई करें, 1 से 2 मिनट तक। अब इसमें पीसे हुए सोयाबीन को डाल के मिक्स करें और 1 से 2 मिनट तक इसे फ्राई कर लें। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालें और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालें और 1 मिनट तक फ्राई करें। अब इसी पैन में थोड़ा सा तेल और डालें और इसमें भी थोड़ी सी कूटे हुए अदरक और लहसुन डालें और थोड़े से प्याज और सभी को फ्राई करें। अब इसमें जो टमाटर का पेस्ट हम लोगों ने पीसा था, टमाटर की जो प्यूरी, उसे डालें और थोड़ा सा पानी डालकर इसे 1 से 2 मिनट तक पकने दें। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालें और आधी छोटी चम्मच चीनी डालें और इसे 1 मिनट तक पका लें। अब मोमो के स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई गर्म करें, उसमें डालें तेल 2 चम्मच, तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक और लहसुन कूटे हुए डालें। अब इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लें। अब जो कैप्सिकम हमने कद्दूकस किया था, प्याज, इन सभी को डालकर फ्राई करें 1 से 2 मिनट तक। अब इसमें कद्दूकस किए हुए बंधा गोभी डालेंगे और इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे।
अब इसमें चिली सॉस 2 चम्मच डालें। और 1 चम्मच सोया सॉस। और सभी को मिक्स करें। अब इसमें थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और थोड़े कोरिएंडर लीव्स, धनिया की पत्ती डालें और थोड़ा सा मिक्स करके गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। स्टफिंग तैयार हो गई है। चलिए अब मोमोज का डो तैयार करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे या रिफाइंड, आपके पास जो भी डालते हैं उसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार करें। डो तैयार हो गया, देखिए इतना सॉफ्ट होना चाहिए डो। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह से फैला लें और 10 से 20 मिनट तक इसे ढककर छोड़ दें ताकि मैदा सॉफ्ट हो जाए और भी। बीस मिनट हो गया है, देखिए मैदा कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएं और सूखे मैदे में लपेटकर एक छोटी सी पूड़ी बनाएं। अब पूरी में स्टफिंग भरें। यहाँ मैं सोयाबीन की स्टफिंग जो बनाया है मैंने वो भर रही हूँ। और इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे फोल्ड करके इसे कवर कर दें। देखिए तैयार हो गया है हमारा मोमोज। इसी तरह बंदा गोभी वाला मोमोज भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। अब इन सभी को एक इडली स्टैंड में थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर रख लें सारे मोमोज को। एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी डालें और इसे उबाल लें पानी को, और उसमें जो मोमोज तैयार किया है हमने उसे डालकर बिना सीटी के 10 से 15 मिनट तक पका लें। ध्यान रखें इसका सीटी निकाल लें। दस से 15 मिनट हो गया है, हमारे मोमोज तैयार हैं। अब आप इसे चटनी के साथ सर्व करें और गर्मा गर्म खाएं और बताएं मुझे आपको ये मोमोज की रेसिपी कैसी लगी। देखिए कितना सॉफ्ट मोमोज है। आप इसे घर पे बनाएं और ज़रूर मुझे बताएं ये मोमोज आपको कैसे लगे। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। धन्यवाद। और बेल आइकन को